माध्यमिक फिजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप सबका स्वागत है। माध्यमिक फिजिकल साइंस में से आज लाइट चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद आंसर जानने वाले हैं। आपको पता है सीरीज में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, ताकि अगर आपको एग्जामिनेशन में आंसर लिखने के सही तरीके के आइडिया हो जाए और आप स्कोर कर पाए फुल मार्क्स। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं लेकिन उन्हें फुल मार्क्स नहीं मिलता है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम इस वीडियो सीरीज से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन विद आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार। इस क्वेश्चन को हम वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं कि किस तरह के मिरर को हम यूज करते हैं हेडलाइट ऑफ द कार में। क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई, ये वाई वाला जो पार्ट है वो क्लियरली वाई देकर आपको ये कह दे रहा है कि आप इस क्वेश्चन को दो पार्ट में आंसर करें। किस काइंड का मिरर है तो उसके लिए एक मार्क्स, और क्यों इसके लिए आपको एक मार्क्स। ये टू मार्क्स का क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, जहां पर आपको टू मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार, और इस क्वेश्चन में वाई आपको नहीं दिया गया है, ये वाई वाला पोर्शन मिसिंग है। उस कंडीशन में भी अगर इस क्वेश्चन पर मार्क्स दो है तो आपको वाई का आंसर देना चाहिए, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दोनों चीजें मिल रही है, इसलिए हम दोनों आंसर को देंगे। पहला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटा सा है कि हम जो मिरर यूज करेंगे वो होगा कनकेव मिरर। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कार का एक हेडलाइट लिया है, यहाँ पर मैंने लाइट ली है, और लाइट के पीछे जो हमारे पास यहाँ पर मिरर यूज हो रहा है वो मिरर जो हमारे पास है वो है कनकेव मिरर। तो यही है हमारा कनकेव मिरर जिसे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर में क्या अरेंजमेंट है जिसके वजह से हम इसे यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर बेसिकली ये है कि हम बल्ब को, इसके अंदर जो बल्ब हमारे पास है उसे हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि उसकी पोजिशनिंग कनकेव मिरर के फोकस पर हो। तो जब भी हमारे पास एक मिरर है और उस मिरर के फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो आपको पता है यहां से होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होगा, जब भी रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट की लाइट जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकलेगी, तो यहां पर इस तरह से हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारे लाइट होते हुए जा रही है, क्योंकि ये सारी लाइट जो ऑब्जेक्ट है, जो बल्ब हमारा है, वो हमारे पास प्लेस्ड है फोकस पर, और फोकस से निकलने वाली लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे इस मिरर से, और इस मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इस समय क्या लाभ हो रहा है, ये जो सारी फोकस्ड लाइट है ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती है, जिसके वजह से हमें एक बहुत ही पावरफुल लाइट बीम सामने की तरफ आते हुए दिखती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखकर समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखना है आपको। A concave mirror is used in the headlight of a car because it is a converging mirror. तो आपको समझ आ रहा है कि ये मिरर जो है वो एक converging mirror है। Converging mirror कैसी होती है मैं समझा दूं। तो basically हमारे पास mirror के जो arrangement है वो दो type की है। एक mirror होते हैं जो diverge होती हैं, मतलब जिसमें ray of light जो है वो बाहर की तरफ फैल जा रही हैं, उन्हें हम कहते हैं diverging mirror। और दूसरी type of mirror होती है जो converging होती है, जिसमें ray of light एक तरफ आकर मिल रही है, इन्हें हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो बेसिकली इस तरह का अरेंजमेंट नेचर होता है हमारे कनकेव मिरर में कन्वर्ज करने वाला। अब जो हेडलाइट पर हम लोगों ने बल्ब, हेडलाइट का जो बल्ब था जिसे हम लोगों ने फोकस पर प्लेस किया था, वो क्या करेंगे, इन रेज ऑफ लाइट को, इमर्जिंग रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे और मिरर से, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएंगे। ये चीज सारी चीजें मैंने मेंशन की। दिस क्रिएट्स अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट That can go farther distances, बहुत दूर तक। अब इस दौरान क्या होती है, कुछ ray of light है जो diverge हो जाती है, उनको क्या करता है, एक reflector सामने में रहता है, यहाँ पर एक reflector रहता है, जो concave reflector होता है, वो उनको फिर से reflect करता है ताकि वो merge होकर एक नया parallel side beam of light बनाए और वो और पहले वाले को enhance कर दे। इस तरह से ये टोटल अरेंजमेंट काम करती है। आपने देखा अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वन मार्क्स का आया होता और अगर आपने सिर्फ कनकेव मिरर लिखा होता और आप ये लिख देते कि ये कन्वर्जिंग मिरर है जिस वजह से हम इसे यूज करते हैं, क्या आपको फुल मार्क्स मिलता? या सोचिए जिस तरह से मैंने आपको आंसर बताया है, अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। अगर आप कन्विंस्ड है कि हाँ जो आंसर लिखने के तरीके यहां बताए जा रहे हैं, जो लाइंस आपको दी जा रही है वो सच में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो आप कंसीडर करें इस तरह के आंसर्स को प्रैक्टिस करना लिखने का। तो चलिए आज का वीडियो इतना दूर, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह सीरीज पसंद आती है तो इस सीरीज को अपना प्यार दिखाएं। कैसे प्यार दिखा सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सब्सक्रिप्शन से आपको ये लाभ मिलेगा कि हमारे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।
अगर आप सब्सक्राइब करते टाइम ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें। तो चलिए आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।